वायरस के बढ़ते मामले ने एक ओर जहां मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, वहीं इससे संक्रमित होने वाले लोगों को आइसोलेट होना मुश्किल होता जा रहा है। एक घर में चार चार लोगों के संक्रमित होने की सूचना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर द्वारा एक 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर भाऊराव देवरस छात्र नीलमय में सूरज कुंड में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन विधि विधान से सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सेवा भारती के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने कहा, मैं महेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष सेवा भारती। देश में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बहुत से मरीजों का कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है लेकिन उनमें लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए कहा जाता है, परंतु बहुत से लोगों के पास अपने घरों में बहुत स्थान कम होता है। एक ही घर में चार पांच लोग हैं और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके अलग करने के लिए, आइसोलेशन के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोगों ने सोचा है कि एक आइसोलेशन होम हो जाए, जहां पे जिन मरीजों का लक्षण नहीं है, कोरोना पॉजिटिव है, वो अपने घर से अलग यहां पे रह सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती विभाग द्वारा इस तरह का कार्य एक हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हम मरीजों को ये सुविधा दे सकें, उनको घर की बजाय यहाँ पे आइसोलेट किया जा सके और जब वो निगेटिव हो जाए तो अपने घर चले जाए। सर, कितने बेड का आइसोलेशन बात है? अभी हम लोगों ने 50 लोगों के रहने का एक व्यवस्था की है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार और बढ़ाया जा सकता है।